नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। और वक्त हो चुका है आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे की खबर आप तक पहुंचाने का। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू वैसे तो पूरे देश भर में दिखाई दिया, लेकिन दिल्ली में जिस ताकत के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज कर वापसी की है, उसने सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। प्रचंड मोदी लहर 17वीं लोकसभा में एक बार फिर देश भर में दिखाई दी। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई। 2014 के मुकाबले बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2014 में 282 सीटें पाने वाली बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर गई है। एनडीए का आंकड़ा 355 तक पहुंचा। कांग्रेस का 17 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। 10 राज्यों में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे कांग्रेस के लिए 2014 से कहीं ज्यादा खराब रहे। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की ऐतिहासिक हार में तब्दील हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पारिवारिक सीट अमेठी भी हाथ से निकल गई, जो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष को यहां से हरा दिया है। राहुल गांधी की अप्रत्याशित हार का नतीजा यह निकला कि कांग्रेस का विश्वास डगमगा गया। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने न केवल कांग्रेस को पस्त कर दिया, बल्कि सपा बसपा और रालोद गठबंधन के मंसूबे भी फेल कर दिए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने देशवासियों को एनडीए की जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि मेरे देश की जनता ने 2014 की तरह एक बार फिर 2019 में ईमानदार सरकार को चुना और ईमानदार छवि वाले नेता को चुना है। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता का भी धन्यवाद किया है कि जनता ने बिहार में जेडीयू को 17 में से 16 सीटें दी हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनाव से पहले भी भाजपा की जीत के अनुमान लगाए जा रहे थे। तमाम एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का दावा किया था और रिजल्ट की घोषणा के साथ ही यह साफ भी हो गया कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को एक बार फिर मौका दिया है। इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे थे जो पूर्ण रूप से हावी रहे। दूसरे शब्दों में कहे तो इन मुद्दों पर जनता ने पीएम मोदी का भरपूर साथ दिया और उनकी जीत पर भरोसा किया। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा नीत राजक को स्पष्ट बहुमत मिलने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया और कहा कि यह उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटाए जाने के बाद लगभग सभी भाजपा नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे से चौकीदार शब्द को हटा दिया है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। गुरुवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए, जिसमें जनता ने दोबारा पीएम मोदी को पूर्ण जनादेश दिया है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 543 में से 282 सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव 2019 का जनादेश आ गया है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की इस जीत से विपक्ष में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा बवाल तो पंजाब में हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस हार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है। अब वह उन पर और भी हमलावर हो गए हैं। अमरिंदर ने पार्टी नेतृत्व में से दो टूक कह दिया है कि वह सिद्धू और उनमें से किसी एक को चुन ले। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें जीतने में कामयाब रही। एनडीए 350 के करीब पहुंच गई। अब आज से नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद नई रणनीति पर काम होगा। कैबिनेट बैठक में मौजूदा हालात, पुरानी सरकार के खत्म होने की प्रक्रिया और लोकसभा भंग होने की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अंत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी को दोबारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। खबर नंबर 10। बंगाल में आखिरकार धमक के साथ कमल खिल ही गए। बीजेपी संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में बीजेपी ने अपने वोट शेयर में ऐतिहासिक इजाफे के साथ ममता बनर्जी के सिंहासन को जोर का झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाते हुए बीजेपी ने लोकसभा की 18 सीटें झटक ली। बंगाल में पहली बार बीजेपी ने लोकसभा सीटों के लिए दहाई का आंकड़ा पार किया है। लोकसभा की और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।